शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने से ट्रक चालक की गाड़ी में ही हुई मौत। कोरोना संक्रमण के चलते अब साधारण बीमार भी हुए तो जल्द उपचार नहीं मिलने से मौत हो रही है। सरकार की 108 मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेवा शुरू कर दी है, लेकिन अब कोरोना के चलते 2 घंटे तक कॉल ही रिसीव नहीं करने से 108 समय पर नहीं पहुंचने से मरीजों की मृत्यु हो रही है। ऐसी एक घटना मंगलवार की दोपहर वर्धामना परिसर में हुई। ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक चालक की मौत होने से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोपन पन्हाली बेट्टहालसूर बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटका निवासी एन रवि नारायणप्पा उम्र 40 मृतक का नाम है। चालक रवि ट्रक क्रमांक KA50A 8658 को बैंगलोर से गोरखपुर बस्ती गांव के लिए आम लेकर 4 दिन पूर्व ही निकला था। गोरखपुर से आम की गाड़ी खाली कर वह बैंगलोर के लिए माल नहीं मिला तो नागपुर वर्धामना सोमवार को पहुंचा। नागपुर शहर में 47 के पार गर्मी होने से चालक को लू लग गई। सोमवार को शाम कुछ लोगों की मदद से चालक रवि को वर्धामना के निजी डॉक्टर के पास उपचार कराया गया। डॉक्टर ने लू लगने का अनुमान लगाकर उसे ग्लूकोज चढ़ाया। कुछ अच्छा लगने से उसे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। चालक अपनी गाड़ी में आकर सो गया। गाड़ी में अकेला होने से कोई सुविधा नहीं होने से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सुबह कुछ लोग देखने गए तो गाड़ी में ही चालक पड़ा दिखाई दिया। उसे तुरंत अस्पताल में लेने के लिए लोगों ने 108 को कॉल किया, लेकिन 2 घंटे होने के बाद भी एम्बुलेंस पहुंची नहीं। 2 घंटे का समय बीतने के बाद भी एम्बुलेंस आने का ठिकाना नहीं होने से लोगों का गुस्सा सरकारी यंत्रणा पर उठा। 2 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। डॉक्टर ने जांच की तो वो मृत घोषित किया गया। एम्बुलेंस वापस चली गई। लोगों ने वाड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंचकर शव का पंचनामा किया। शव को वाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर परिवार के लोगों संबंधित बैंगलोर के पुलिस को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया। आगे की कार्रवाई वाड़ी पुलिस कर रही है। 8 नंबर में एम्बुलेंस को जो बोलते इमरजेंसी फोन करने के बावजूद उन्होंने आए नहीं। नंबर भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया ड्राइवर। कि प्रशासन अगर ध्यान देता तभी वो जिंदा था 2 घंटे पहले। और दोपहर को जब हम लोग आया तो मतलब ये बोला मुझे बहुत सुस्त हो रहा है और जैसे फीवर टाइप उसको बुखार आ गया। उसके बाद हम लोग देखो उधर वो दरगाह के उधर लेके गए, पानी लेके आए, ठंडा पिलाए। थोड़ा देर के बाद मैं बोला थोड़ा ज़्यादा भारी शरीर हो रहा है, फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल इमीडिएट। उधर दवा दिया, मैं बोला इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर क्या बोला, आज दवा से नॉर्मल कर लो, कल जो है दवा इंजेक्शन लगाएंगे बोला। ऐसा लेके आए, खाए पिए, शाम को आराम था, सुबह में भी सबसे अच्छा था। मैं पूछा बल्कि कैसा है भैया, बोला मैं आपको पूछा ना, अभी थोड़ा रिलैक्स है बोला। हाँ। बाद में अभी जस्ट 12:30 बजे ऐसा उसको जैसा शरीर अजीब सा होने लगा। अब हम 2 आदमी से उठता भी नहीं है, कितना तकलीफ से उठा उठा के नीचे रखा, नीचे उधर लेके जाते जाते वो पूरा नर्वस हो गया। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।